हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तो लोकसभा चुनाव है और इस दौरान हरियाणा में भी सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी, आईएनडी और जेजेपी की अगर हम टक्कर का जिक्र करें तो अलग अलग सीटों पर अलग अलग इन पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कॉन्टेक्स्ट जो है, लड़ाई जो है वो काफी रोचक हो गई है। सिरसा से बात करें तो सुनीता दुग्गल बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से अशोक तंवर, चरणजीत सिंह रोड़ी इनेलो से और जेजेपी से सरदार निर्मल सिंह। सोनीपत की टक्कर जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रमेश चंद्र कौशिक मौजूदा सांसद बीजेपी के, कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतार दिया है सुरेंद्र चिकारा इनेलो से और जेजेपी ने अपने बड़े चेहरे दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है। सोनीपत की टक्कर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में लड़ाई इंटरेस्टिंग है। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने उतारा है, डीडी शर्मा को जेजेपी ने अपनी तरफ से उतारा है, आईएनएलडी की तरफ से अर्जुन चौटाला को जो अभय चौटाला के बेटे हैं उनको मौका दिया गया है और निर्मल सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया। अंबाला से रतनलाल कटारिया, बीजेपी से कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस से उतारी गई है मैदान में। और यहाँ खास तौर से अगर हम लड़ाई की बात करें तो कुछ लड़ाई ज्यादा रोचक इन्हीं दोनों के बीच नजर आ रही है। बीजेपी के अगर लिस्ट की बात करिए तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को, सिरसा से सुनीता दुग्गल को, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को, अंबाला से रतनलाल कटारिया को, सोनीपत से रमेश कौशिक को, करनाल से संजय भाटिया को मैदान में उतारा है पार्टी ने, हिसार से बृजेंद्र सिंह को उतारा गया है, रोहतक से अरविंद शर्मा मैदान में है, हिसार से बृजेंद्र शर्मा, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। कांग्रेस की अब बताते हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है, फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना, ललित नागर को टिकट काट कर दिया गया है, करनाल से कुलदीप शर्मा को उतारा गया है, सोनीपत से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम जो है वो मैदान में, कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह को, सिरसा से प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर, अंबाला से कुमारी शैलजा, हिसार से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं उनको मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से।